तो विंटर में मंगाएं, और नहीं तो मिट्टी के साथ ही मंगाइएगा। कई तरह की प्लांटें हमारे यहाँ अवेलेबल है, फंगसाइड और एनपीके वगैरह, और जो भी मेडिसिन वगैरह है आप हमसे दिए हुए नंबर पे ऑर्डर देके मंगा सकते हैं। आपके घर तक हम लोग भेज देते हैं, ऑनलाइन कुरियर के द्वारा, स्पीड पोस्ट के द्वारा भेज दिया जाता है। तो सबसे पहले करना क्या है कि आपको कोई भी पौधा मंगाए या लाए या निकाले मिट्टी से, तो उसे पहले मिट्टी को पानी में डाल के हल्का सा मिट्टी फुला ले, फिर पानी में ही धीरे 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 उसे क्या कहते हैं मिट्टी को छुड़ा ले, एकदम पूरा मिट्टी साफ़ कर ले। ये देखिए, एक गमला मैं लूँगा खंगर, 6 इंची का पॉट है। फर्स्ट ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है कि 6 इंची के पॉट में ही लगाइए, और अगल बगल जो मेरे सारे गमला देख रहे हैं वो सारे खंगर में ही लगे हैं। खंगर का साइज़ देख लीजिए, मैं ये साफ साफ आपको दिखा रहा हूँ कि खंगर का साइज़ यही होना चाहिए। कुछ लोग क्या कि बड़े बड़े खंगर लगा देते हैं, 1-1 इंची की, 2-2 इंची की, नहीं, खंगर का साइज़ आप देख लीजिए, 1 1 इंची से भी छोटा, 1/2 इंची की होती है, उसे साफ़ कर लिए। मैं तो ये आप लोग को वीडियो बता रहा हूँ, देख रहे हैं ना, एकदम छोटी छोटी खंगर है। मैं आप लोग को खंगर में लगाने का तरीका के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अपने खंगर को आप साफ़ सुथरा कर लीजिए, कोई भी तरह का डस्ट ना हो, उसे धो लीजिए, धो के उसके बाद सुखा के उसके बाद लगाइए। और प्लांट को आप जब भी लाएँ तो उसे पहले उसकी मिट्टी को साफ़ कर लें, उसके बाद क्या करें, उसके फंगस साइड में उसे भिगो के 15 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद पहले तो उसको पानी में डाल के छोड़ दें। अगर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह से मंगा रहे हैं, कुरियर से मंगा रहे हैं प्लांट को, तो करीब आधे घंटे के लिए पानी में डाल के पूरा जड़ से लेके ऊपर तक का पानी में डाल के छोड़ दें, ताकि वो 2 दिन 3 दिन 5 दिन अगर बिगैर पानी के वो पड़ा हुआ रहा होगा तो प्यासा होगा, तो उसे आप लोग ला के पानी में डाल के छोड़ दें। दूसरा चीज़ आप लोग करिए क्या कि उसे फंगासाइड राहुल या M45, एम इंडो फूल कंपनी का, ये दो कंपनी मैं बार बार आपको रिकमेंडेड करता हूँ कि इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगता। ये जो कंपनियाँ होती हैं ना, ये कंपनी का मैं यूज़ करता हूँ, और मैं फ़र्स्ट ऑप्शन बोलता हूँ, मैं किसी कंपनी का ये ऐड नहीं कर रहा हूँ, ये समझ लीजिए, मैं इसलिए बोलता हूँ कि ये कंपनी बेस्ट ऑप्शन है। तो इस कंपनी में आप यूज़ करेंगे ना तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और अपने प्लांट में देख लीजिए, जहाँ जहाँ काला उला हो उसे कट करके निकाल दीजिए, उसके बाद फंगस साइड में डाल के 10-15 मिनट तक छोड़ दीजिए। पहले पानी में डाल के आधे घंटा छोड़ना है, उसके बाद फंगस साइड में डाल के छोड़ देना है, उसके बाद प्लांट को निकाल देना है, लगाने के लिए निकालना है। ये देखिए, मैं 6 इंची का गमला देख लीजिए, दम 6 इंची का गमला में आपको मिट्टी को तैयार कर, ये खंगर को, सॉरी, खंगर को तैयार कर लेना। खंगर का साइज़ आप भी देख रहे हैं, ये साइज़ का खंगर होगा। और इसमें एक काम और करना है, एक छोटा सा काम, इसमें वर्मी कंपोज मिलाना है, 1/2 मुट्ठी या 1 मुट्ठी या उससे भी थोड़ा कम, इसलिए कि नहीं भी मिलाएंगे तो भी काम चलेगा, लेकिन वर्मी कंपोज मिलाने से उसकी पावर वगैरह बढ़ जाती है, प्लांट की ग्रो अच्छी होने लगती है, प्लांट हमेशा हरा भरा रहता है। ये सब के लिए आपको हम लोग रिकमेंडेड करेंगे कि थोड़ा सा वर्मी कंपोज इसमें आप मिला लें, इससे क्या होगा कि आपका प्लांट फ़ायदे में रहेगा। और जब आप क्या करें कि जब पानी में मिट्टी प्लांट को डालें, पार्सल उसला आया हो, तो उस पानी में थोड़ा सा बर्फ़ डाल दें ताकि पानी ठंडा हो जाए, थोड़ा सा फंगसाइड साइड डाल दें, M45 या राहुल एंडोफिल, या और थोड़ा सा ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड से क्या होता है कि उस प्लांट को जो भी प्रॉब्लम वगैरह होता है उसमें उसको दूर करने में सहायता करता है। आप कुछ भी अगर ये सब चीज़ आपको अगल बगल ना अवेलेबल हो तो आप नंबर जो दे रहा है उस नंबर पे ऑर्डर देके मंगा सकते हैं। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि बहुत से लोग होते हैं कि क्या सामान का नाम बता देते हैं और इस ना मिलता है कस्टमर को, पब्लिक को, व्यूअर को, तो वो निराश हो जाता है कि ये सब सामान तो हमारे अगल बगल मिलेगा नहीं और मैंने वीडियो देख के फालतू टाइम वेस्ट किया। तो मैं अपने ये बेचने के लिए नहीं प्रचार कर रहा हूँ, मैं आपकी सुविधा के लिए मैं स्टार्ट किया, पहले मैं नहीं सेल करता था। तो ये सब सामान आप लोग को अगल बगल ना मिले तो हमारे दिए नंबर पे ऑर्डर देके मंगा सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो भी सामान मंगाए वो ओरिजिनल हो, क्योंकि बहुत से लोग हर नाम बदल बदल के अपना सामान बेचते हैं। तो ह्यूमिक एसिड और ये, और हाँ, अब ये देखिए, आप मैंने ये 10% बर्मी कंपोज दिखा रहा हूँ, ये गमले का 10% यानी कि 1 मुट्ठी के आसपास होता है। तो गमले का 10% ही आपको बर्मी कंपोज मिला लेना है, 10% का साइज़ देख रहे हैं ना, मैं ये साइज़ भी, अगर आपके पास नहीं है
तो आप बिना वर्मी कंपोस्ट के भी लगा सकते हैं, कंपल्सरी वर्मी कंपोस्ट नहीं है, वर्मी कंपोस्ट आपके लिए कंपल्सरी नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसको अच्छी तरीके से मिला ले, मिलाने के बाद प्लांट को लगाना है। लगाना कैसे है, किस तरह कैसे है, वो भी मैं अभी आगे बताऊंगा, वो सब का भी बातों का ध्यान रखूंगा। पूरा वीडियो देखा है, इस वीडियो में मैं बहुत सारी जानकारियां देते जा रहा हूं दोस्तों, इसका भी ख्याल रखिएगा। और हाँ दोस्तों, आप जो पानी में डिप करके प्लांट को रखेंगे तो ठंडी वगैरह में बर्फ़ नहीं डालना है आपको, गर्मी वगैरह हो ठंडी के बाद अगर बेरा रूट लगाते हैं तो ये मंगाते हैं तो आपको डालना, नहीं तो नहीं डालना बर्फ़। और दूसरा चीज़ है कि आपके पास खंगर बड़े साइज़ का, तो ये नहीं कि आपका खंगर बड़ा साइज़ का बेकार है, बर्बाद है और उसे फेंक दें, नहीं, उसे आपको किसी चीज़ से चूर करके उसको छोटे साइज़ में तब्दील कर देना है। और खंगर वगैरह भी आप हमसे भी मंगा सकते हैं, अगर आपको खंगर कहीं नहीं मिलता है तो आप हमसे भी ऑर्डर दे के खंगर मंगा सकते हैं, ये हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पर सारे सामान का अवेलेबल है। और दोस्तों, जब भी आप प्लांट लगाएं तो उसका टैप रूट को डैमेज ना होने दें, कारण क्या कि ऊपर से आप डालेंगे खंगर तो टैप रूट ख़राब हो जाएगा, और उसका जॉइंट जो है उस जॉइंट को आप, हाँ, इसमें थोड़ी सी आपको बोन मील मंगाना है, ये मैंने बोन मील मिलाया, मैं भूल गया था आगे बताने को, थोड़ा सा बोन मील मिलाना है। और बोन मील मिलाने से क्या होगा, स्टेनलेस बोन मील, बोन मील दो तरह का हो मिलता है, स्टेनलाइज बोन मील और एक नॉर्मल बोन मील, तो स्टेनलेस बोन मील ही आपको यूज़ करना, अगर मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये क्या है ना कि आपके प्लांट को सर वर्क करने में काम देता है। और छेद के ऊपर एक बड़े से ईटा रख लेना है, और ईटा रखने के बाद आपको देखिए मिट्टी कैसे हटानी है, किस तरह से बनानी है, ये मिट्टी के साथ पहले मैंने ये झाड़ लिया, अब इसको मैं धो दूँगा ताकि ये इस धोने के बाद इस तरह से इसका रूट्स वगैरह हो जाए। और जो टैग देख रहे हैं ना, वो अंदर नहीं जाना चाहिए खंगर के, वो बाहर रहना चाहिए, रूट का जो जॉइंट पोजीशन है जहाँ से बडिंग की जाती है वो खंगर के ऊपर रहना चाहिए जॉइंटिंग, और बाकी रूट्स टैप रूट जो होती है मोटी मोटी जड़ें होती हैं वो अंदर होनी चाहिए, करीब 10% खंगर डाल दें उसके बाद ये रूट डाल दें, अपने हिसाब से देख लें कि रूट कितनी है और जॉइंट कितनी है, पानी में डाल के छोड़ देंगे ना दोस्तों तो ये अपने आप धीरे धीरे मिट्टी इसको रूट्स को छोड़ देता है। देख रहे हैं ये वीडियो में, फ़ोटो में देखिए किस तरीके से लगाया गया, देखिए पानी का निकालने का सब का तरीका बताया जा रहा है, और कटिंग करने का ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, देख लीजिए किस तरीके से लगाया रूट है, ये मैं फ़ोटो में आप देख लीजिए सारा चीज़ का आपको बताया, इसका कटिंग और करने का तरीका भी मैं बता रहा हूँ। तो हमारी बातों को आपने ध्यान रखा होगा, ये आपको देखिए डाई बैक लग गया, तो डाई बैक को कटिंग कहाँ से करना है, ये हिस्सा को ऊपर से देख लीजिए, ऊपर से जो ब्लैक है ना, ब्लैक से थोड़े सा पोजीशन को नीचे छोड़ के उसको कट कर देना है, और उसके बाद इसको खंगर को डाल देना है जड़ों में, और इसकी रूट्स को डैमेज ना हो उसको ध्यान रखना है। और इसमें पानी क्या है ना दोस्तों, ऊपर से जो पानी आप डालेंगे, पानी इतना पानी डालें कि नीचे से पानी ड्रेनेज सिस्टम से निकलने लगे, और इसे 1 से 2 दिन तक छाँव में रख दें, उसके बाद इसे धूप में छोड़ ला के छोड़ दें, प्लांट डेवलप करने लगेगा, वो अपने आप को वर्क करने लगेगा, तो 15 दिन के बाद इसका खाना स्टार्ट कर दें। इसका खाना क्या है, 12100, ये आप विंटर में आप यूज़ कर रहे हैं तो 10 दिन 12100 डालना है, और 10 दिन 19 19 19 डालना है, फिर उसके बाद अगर फ्लावरिंग आपको लेना है तो 52 34 13 40 13 या 13 045, ये एक दिन वो करके NPK चालू कर देना। अगर फ्लावरिंग नहीं लेना है तो 12 61 एक दिन 19 19 आपको प्लांट को हेल्दी बनाने के लिए ज़रूरी होता है। अगर प्लांट हेल्दी रहेगा तो आपकी फ्लावरिंग भी अच्छी होगी, रूट्स भी अच्छी होगी। और एक चीज़ दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जब भी प्लांट आपका बढ़ने लगे तो पिंचिंग जरूर करिएगा, जब प्लांट की साइज़ की डंडियाँ 12 इंची 15 इंची हो जाए तो उसके ऊपर से पिंचिंग कर दीजिए ताकि उसकी दूसरी जगह से ब्रांचेस निकलने लगे, ज़्यादा ब्रांचेस होंगी तो ज़्यादा ताकत होगा, ज़्यादा ताकत होगा तो ज़्यादा फ्लावरिंग होगी उसकी, ये चीज़ों का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आज बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो होते जा रहा है दोस्तों, कल फिर मैं एक वीडियो बना डालूंगा, उसमें क्या है ना कि रोज़ शो की तरह जो आप प्लांट करना चाहते हैं उस तरीके का मैं बताऊंगा, वो सब सारी जानकारियां उसमें दूंगा। तो मैं सोच रहा हूं कि उस पर एक वीडियो बनाता चलूं स्टार्टिंग से, और उसमें काफ़ी लंबा वीडियो होने वाला है,
उसको मिट्टी में लगाएं या सेंडर में, बेस्ट ऑप्शन है। उससे थोड़ा सा कम आपको मिट्टी के गमले में रिजल्ट आएगा, ज़्यादा रिजल्ट के लिए आपको खंगर में। देखिए सारा मेरा प्लांट खंगर में लगा हुआ है, सारे फ्लावरिंग खंगर में ही डाले गए हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, कल फिर मैं मिलता हूँ नए वीडियो के साथ। हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट्स करना ना भूलिएगा। दोस्तों जाते जाते आपको बोलता जाऊँ कि हमारे यहाँ आप कई तरह के प्लांट्स का ऑर्डर देके मंगा सकते हैं। प्लांट्स बढ़िया होगा, अच्छा होगा और खूबसूरत होगा। गुलाब के कई तरह के प्रकार होते हैं, 3000 साढ़े 3000 तरीके का गुलाब हिंदुस्तान में पाया जाता है। और मैं हमारे पास करीब करीब 2500 तक की वैरायटीज़ आपको मिल जाएगी। स्टैंड रोज़ भी आप ऑर्डर दे सकते हैं, स्टैंड रोज़ के भी हम लोग ऑर्डर ले रहे हैं। स्टैंड रोज़ भी बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत कलर में आपको मिल जाएगा। ये सब फ्लावर की मैं वीडियो दिखा रहा हूँ दोस्तों, तो वीडियो देखते जाइएगा। वीडियो तो लंबा थोड़ा हो गया लेकिन अच्छा रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, ऑर्डर देना ना भूलिएगा, चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। आपकी लाइक और सब्सक्राइब से हमें अच्छा मोटिवेशन मिलता है, हमें अपना वीडियो को और आगे बनाने का ये बहुत ही जुनून होता है एक तरह से। मैं उस पर वीडियो बनाता रहूँगा और आप लोगों को बताता रहूँगा। तो आज का वीडियो इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।